आगामी 1 नवंबर से अंबाला में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर कंप्लीट बैन लगाने जा रहा है, जिसको लेकर बाकायदा अंबाला छावनी नगर परिषद द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिस्पोजेबल सामान बेचने वालों दुकानदारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 1 नवंबर से अंबाला में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर कंप्लीट बैन लगने जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला छावनी नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अंबाला में 1 नवंबर से प्लास्टिक पर कंप्लीट बैन लगने जा रहा है, जिसको लेकर हमने बाकायदा मार्केट एसोसिएशन, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों और आमजन को जागरूक कर दिया है। इन्होंने बताया कि इसके तहत यदि कोई दुकानदार या आमजन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपए से लेकर 5000 रुपयों तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत थर्माकोल भी आता है, यदि कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। म्युनिसिपल काउंसिल अम्बाला सदर, देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए एक मुहिम चलानी पड़ती है, उसमें जैसा कि आज तक स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पे चल रहा है और इसके साथ साथ हमारा सभी नागरिकों का दायित्व बनता है कि हम सब नगर परिषद के साथ सहयोग करके इस शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। इसी मुहिम के तहत 1 नवंबर से जो नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन को लेकर बैन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो NGT की गाइडलाइंस जो भारत सरकार द्वारा भी इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण के रिगार्डिंग आई हुई है कि इसको शहर को स्वच्छ रखने में ये नियमों का पालन किया जाए। इसी के तहत अभी तक जो भी है, जितने भी कोई चलान भी किए जा रहे थे और जो पॉलीथीन वगैरह जो इसको रोका भी जा रहा था कि और लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है और मुनादी वगैरह भी करवाई जा रही है, तो इसी तरीके तहत हमने जो अपना 8 नवंबर ये जो डेट निर्धारित की है और इसी के तहत लोगों को और सभी ये जो मार्केट एसोसिएशन वगैरह इनको भी अनुरोध किया है कि आप अपना ये जो है नागरिकों को कोई भी सामान देते हैं तो पॉलीथीन में मत दें। और इसी के साथ साथ नागरिकों का भी दायित्व है कि वो अगर वहाँ बाजार से मार्केट से सामान लेने जाते हैं तो बजाय पॉलीथीन की अगर कोई दुकानदार देता है तो उसको मना करें कि नहीं भाई हमें तो या ये इसमें कपड़े के थैले में दो या जो दूसरा जो भी उसका ऑप्शन है पेपर का बैग उसमें हमें डाल के दिया जाए। तो इसी कड़ी के तहत 1 नवंबर से हम इसको जो भी है बैन कर रहे थे, कम हम इसको मिलजुल कर के लोगों के सहयोग से शहर को स्वच्छ रख सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पॉलीथीन और ये जो अपना सिंगल प्लास्टिक है ये कितना घातक है और पर्यावरण के लिए भी और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी। और इसी के तहत हमने जो जितने भी धार्मिक संस्थान वगैरह हैं या इनको भी मतलब अनुरोध किया कि जैसे कभी कोई भंडारा वगैरह कोई त्यौहार होता है इसमें करते थे तो ये अपना अब इनके जो बर्तन बैंकिंग बन गए हैं और इनके ऊपर टोटली बैन है और इसी में तहत अब ये जो स्टील के बर्तन वगैरह ये भी यूज कर रहे हैं तो हम इसको इसीलिए 1 नवंबर से एक तारीख जो है इसको बैन कर देंगे। डिस्पोजेबल जो सिंगल यूज है जैसे आ रहा था और ये प्लास्टिक है इसको हमने इसीलिए बैन है, बाकी जो गाइडलाइन सरकार की है उसी को निर्धारित है। जुर्माना ऐसे है कि हम देखो नागरिकों को पहले समझा रहे हैं कि खाली जुर्माने का ही मकसद नहीं होता, अगर प्रत्येक नागरिक इसको मुहिम अपना ले, नियम बना ले कि हाँ भाई मैं आप इसको शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करूंगा और इन चीजों का यूज नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को जुर्माना करने की जरूरत पड़ी। अगर ये लोगों की सोच ही अगर एक ऐसी बन जाए तो हमें जो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं, अगर किसी के पास जमा पाया जाता है तो पहले तो उससे हम कुछ दिन जो लेंगे वापिस ले लेंगे और उसको सामान कहेंगे भी आप अपना इसको दूसरे बैग में डालो। अगर नहीं मानते तो जो इसके जो जुर्माने का प्रावधान है 500 रुपए है, फिर उसके लिमिट है इतने ग्राम के ऊपर 10,000 मैक्सिमम 25,000 तक भी है जो इसका जुर्माने प्रावधान है तो वो लगाया जाए। यानी कि अपने उपायुक्त महोदय द्वारा एक यहाँ पे मुहिम चलाई गई थी कि जितना भी ये जो प्लास्टिक है पॉलीथीन इकट्ठा करके वहाँ पे एक वो कंपनी है उसको मतलब वहाँ पे कलेक्ट करके जा रहा था तो उसके तहत वो वहाँ पे बिजली वगैरह या जो भी बनाई जा रही थी तो उसमें बनाई गई। वहीं इस बारे में जब हमारी टीम ने डिस्पोजेबल सामान बेचने वाले दुकानदारों से बातचीत की तो दुकानदारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। दुकानदारों ने कहा कि सरकार द्वारा प्लास्टिक पर बैन लगाना एक अच्छा कदम है, लेकिन प्रशासन को छोटे छोटे दुकानदारों पर नकेल कसने के बजाय सीधा प्लास्टिक और थर्माकोल डिस्पोजेबल सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से ही कोरोना के चलते हमारा काम चौपट हुआ है और अब प्रशासन की यह मनमानी क्या कहें क्या ना कहें समझ में नहीं आता। क्या नाम है और किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। दुकान पैकिंग मेटल की दुकान है सर। हाँ, पहले काफ़ी समय से सुनने में आ रहा है कि ये बंद होने जा रहा है,
बंद होने जा रहा है। सरकार का अच्छा कदम है कि बंद हो, इससे पोल्यूशन होता है क्योंकि ये डिस्पोज नहीं होता है। सरकार को कुछ ऐसे कदम हमारे लिए भी उठाने चाहिए कि हम जो माल हम बेच रहे हैं हम वो अब नहीं बेच रहे, लेकिन आने वाले समय के लिए जो हमारे पास उसका ऑप्शन है वो सरकार को देना चाहिए। फैक्ट्रियों में माल जो बनता है उनको बंद कराना चाहिए ताकि ना वो आए तो ना वो बिके आगे जी, तो वो फैक्ट्रीज वापस ले लें या सरकार उसे ले ले। अगर कुछ माल उनके पास स्टॉक में पड़ा भी है 5-10%, अब उनका यूज़ बहुत कम हो गया, उसकी जगह ये वुडन स्पून वगैरह आ गई है, पेपर प्लेट्स ये देखो आप पड़ी हुई हैं ऊपर ये आ गई हैं, लेकिन कुछ एक अगर सामान पड़ा भी है तो वो वापस देना चाहिए उनको विदाउट बिल। वहीं ग्राहकों ने यह भी कहा कि प्रशासन को डिस्पोजेबल सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को बैन करना चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन को भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। की खरीदारी करने आए हैं हम यहाँ पे, घर में जागरण है उसके लिए प्लेट्स वगैरह। सर 1 तारीख से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक और खासतौर पर थर्माकोल की चीज़ों पर जो है बैन लगने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल अच्छी बात है, एनवायरमेंट के लिए सेफ है, लेकिन जो बड़ी फैक्ट्रियों में बन रहे हैं सबसे पहले उन्हें बैन करना चाहिए। क्या यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदारों पर लोग जाते हैं उनको फाइन लगा देते हैं रेडी फड़ी वालों पे, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से ही इनको इस चीज़ पे बैन लगाना चाहिए। थर्माकोल देखिए, ये तो टाइम के साथ थर्माकोल की पेड़ यूज़ होने लगी हैं, उससे पहले लोग जो पेड़ की पतले होती थी बनी हुई पत्तों की वो यूज़ करते थे, हेल्थ के लिए भी अच्छी थी जी। और प्लास्टिक से तो पूरा कचरा हो ही रहा है, हर जगह आप जाएंगे थोड़ी सी हवा चलेगी प्लास्टिक ही प्लास्टिक आपको नजर आता है, तो ये सब बैन होना ही चाहिए।